सो हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी आउटो। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की इस वीडियो में ना एक कमाल की चीज आपको दिखाने वाला हूं, और वो कौन सी है कमाल की चीज, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑनकॉर्ड प्लस की तरफ से आने वाला अल्फा एडिशन एंड्रॉइड कार स्टीरियो। ये जो स्टीरियो है दोस्तों, ये 9 इंच का है, और अभी इसके सारे फीचर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर मिलता है ये देखने वाले हैं, साउंड आउटपुट को सुनने वाले हैं, वीडियो की क्वालिटी देखने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कि भाई क्या है ऐसा, क्योंकि ये जो स्टीरियो है ना, ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टीरियो कमाल का है, लेकिन साथ में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले मैंने इसे टाटा सफारी में इंस्टॉल किया है, ग्रैंड विटारा में इंस्टॉल किया है, एंड बहुत सारी ऐसी गाड़ी है जिसमें मैंने इंस्टॉल किया है, और ये जो स्टीरियो है ना, ये काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने कर ली है इसकी अनबॉक्सिंग, और ये है 9 इंच का एंड्रॉइड कार स्टीरियो सिस्टम, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है इसका बैक चेचिस, काफी ज्यादा प्रीमियम है एंड लीडिंग थ्रो इनोवेशन लिखा हुआ है इसमें। बाकी ये है दोस्तों इसका वारंटी कार्ड, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वारंटी आपको इस स्टीरियो में देखने के लिए मिलेगी। अभी सारी चीजों की बात हम लोग करने वाले हैं, फिलहाल अनबॉक्सिंग हो चुकी है और इस स्टीरियो के फीचर अब मैं आपको बताना चालू करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इस स्टीरियो की बात करूँ तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा, एप्पल कारप्ले मिलेगा, साउंड आउटपुट ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसमें, और जब तक मैं इसे आपको लगाकर दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में चीजें आएंगी नहीं। तो आइए फटाक से इसे लगाकर देखते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है, एंड जब रियल में, देखिए लिखने के लिए कोई भी कुछ लिख देगा, लेकिन जब हम इसे कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं तब इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो आइए इसे करते हैं फटाक से इंस्टॉल, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऑनकॉर्ड प्लस का जो एंड्रॉइड स्टीरियो है उसे मैंने डेमो में इंस्टॉल कर दिया है, एंड यहां पर जो स्पीकर आपको नजर आ रहे हैं ये है निप्पॉन के कोएक्सल स्पीकर, जिसकी हम लोग अभी साउंड क्वालिटी सुनने वाले हैं एंड इसका आउटपुट सुनने वाले हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक की मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये वाला एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस करेंगे तो इसके साथ में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। GPS वायर आपको इसमें देखने मिलेगा, एंड उसके बाद 2 USB केबल आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। एंड उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि बूफर एंड RC वायर का जो जैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड उसके बाद एक रिवर्स कैमरे की लीड देखने के लिए आपको मिलेगी, एंड उसके बाद आपको देखने मिलेगा एक एक्सटर्नल माइक जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारी चीजें आपको एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर में देखने के लिए मिलेगी ऑनकॉर्ड प्लस के। तो इसको कर देते हैं साइड, ये अपने किसी काम का नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग एप्स में जाएं तो सबसे पहले हम लोग इसका चेक करेंगे DSP कि DSP किस तरीके से इसमें आता है एंड क्या कुछ फीचर हमको उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर ग्राफिक्स इक्वलाइजर देखने के लिए मिल रहा है एंड नीचे मैनुअल इक्वलाइजर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर से आप इक्वलाइजर को सेट कर सकते हैं। साउंड फील्ड में अगर हम लोग जाएंगे तो फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड यहां से आप सबवूफर के कंट्रोल को भी ऑन ऑफ या फिर बढ़ा या फिर कम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे लाउडनेस का भी फीचर हमको देखने के लिए मिला है, एंड यहां पर सेंट्रल मोड का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, एंड यहां पर लेफ्ट ड्राइविंग, राइट ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां से हम लोग इसको कर देते हैं सेंट्रल मोड में क्लिक। और उसके बाद अगर मैं इसके एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले फीचर की बात करूं तो यहां पर Z-Link 5 का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर साइड में जो 60% पार्ट में आपका नेविगेशन हो जाएगा, एंड यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि म्यूजिक जो है प्ले हो जाएगा। बाकी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें आपको काम करता हुआ नजर आएगा। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है स्टीरियो की, एंड ये फुल HD कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। आइए दोस्तों मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ और साउंड क्वालिटी देखते हैं किस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ से अब मैं साउंड आउटपुट आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना किस तरीके से इसकी साउंड आउटपुट की जो क्वालिटी है वो आपको मिलने वाली है। तो यहाँ से मैंने इसे कर दिया क्लिक एंड वॉल्यूम को कर देता हूँ फुल। Yeah.
तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से आ रही है इसकी साउंड क्वालिटी। बाकी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो है आधे से भी कम है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम है ये आधे से भी कम था। और अगर मैं पर्सनली साउंड आउटपुट की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका साउंड आउटपुट है। अगर आप परचेस करते हैं तो साउंड आउटपुट में कहीं से कमी आपको नहीं दिखने वाली है। बाकी ये जो चारों स्पीकर हैं ये निप्पॉन के लगे हुए हैं। और अब मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूं। तो अब मैं इस स्टीरियो की वीडियो की जो क्वालिटी है वो प्ले करके दिखाता हूं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी वीडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है Encore Plus के एंड्रॉयड कार स्टीरियो में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं फुल HD वीडियो जो है इसमें प्ले हो जाएगा। बाकी अगर मैं गूगल वगैरह की स्पीड के बारे में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीड आपको ये प्रोवाइड करेगा। YouTube जैसे कि हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर सिंपली हम लोग टाइप कर देते हैं न्यू सॉन्ग। मैंने अभी ट्राई करके देखा है, मैंने चला के देखा है, मैंने कई कार में इसे इंस्टॉल भी किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर वगैरह की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और रिवर्स कैमरा वगैरह फुल HD में ये जो है सपोर्ट करेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी स्पेसिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग में भी अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन अभी फैक्ट्री सेटिंग में हम लोग जाने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये स्टीरियो है। NDSP वगैरह मैंने आपको बता दिया है। बाकी कार इन्फो, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। Spotify का ऐप आपको देखने के लिए मिलता है और UI स्टाइल का ऐप आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मल्टीपल UI दिए हुए हैं। आप जैसे कि मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसे राइट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो UI है कम्प्लीटली बदल जाएगा। तो डेमो मैंने आपको दे दिया है Encore Plus का, अगर आप इसे इंस्टॉल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी Z Link 5 एंड्रॉयड ऑटो एंड CarPlay के लिए दिया हुआ है एंड प्रॉपर तरीके से वो काम भी कर रहा है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं MRP की एंड प्राइस की। तो दोस्तों कैसा लगा Encore Plus का अल्फा एडिशन एंड्रॉयड कार स्टीरियो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस की एंड रैम एंड रोम की। तो सबसे पहले ये जो स्टीरियो मैंने आपको अभी दिखाया है ये है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आप किसी भी एक्सेसरी शॉप से इस स्टीरियो को परचेस करते हैं तो आप अपनी नीड को देखते हुए इस स्टीरियो को परचेस करना। और मैं तो बोलता हूं जब भी आप कोई भी स्टीरियो परचेस करें तो 4+64 ही करें, क्योंकि 2+32GB रैम में जो बड़े ब्रांड है वही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। बाकी किसी ब्रांड में ये चीज़ पॉसिबल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। लेकिन Encore Plus का अगर आप 2+32GB रैम रोम वाला एंड्रॉयड स्टीरियो लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी सारी ज़रूरतों को फुलफिल कर पाएगा। और मैंने 2+32GB रैम वाला भी इसका जो स्टीरियो है वो इंस्टॉल किया है। बाकी अगर इसकी MRP की बात करूँ तो MRP यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको एक अच्छे प्राइस में आफ्टर मार्केट किसी भी कार एक्सेसरीज शॉप में मिल जाएगा। तो आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।